नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। तो कैसे हैं आपकी फिल्म जावादपुरी के बारे में किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, अपने किरदार के बारे में बताइए। बहुत अच्छी फिल्म है, टाइटल आप लोग देख ही रहे हैं जाबाज पुलिस वाला, तो क्राइम के ऊपर कुछ ऐसा है और बाकी आप लोग फिल्म देखेंगे तो और भी अच्छा ही लगेगा। फिल्म के हीरो है प्रमोद प्रेमी जी, उनके बारे में कुछ कहेंगे, उनके साथ शायद आपके पहली फिल्म है जी, दोनों साथ में। हाँ बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे तो देखी हूँ बट फर्स्ट बार उनके साथ काम कर रही हूँ तो आई होप अच्छा ही लगेगा उनके साथ काम करके। सर के साथ तो मुलाकात हुई थी एक दो बार, तो डिस्कस होते थे कि नहीं हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे साथ में, तो बहुत अच्छा फिल्म था ये, जिसके स्टोरी जब मैं सुनी तो बहुत ही अच्छा लगा स्टोरी, तो डिसाइड कर ली नहीं करूँगी। सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है आपको, थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए कि कैसे स्टार का फाइनलाइन किया आपने और थोड़ा सा कहानी के बारे में बताइए कि कैसे लोग कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली कहानी के बारे में तो अभी कुछ अभी लिख नहीं करेंगे, क्राइम बेस्ड स्टोरी है और प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं, जानवी जी हीरो हैं और मधु सिंह जी है साथ में और हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खान हैं, तो संजय पांडे हैं, ये सारे लोग हैं, एक क्राइम बेस्ड स्टोरी है। जैसे कि हम पोस्टर में देख रहे हैं प्रमोद प्रेमी भी है, चांदनी भी है, कैसे फाइनलाइज किया आपने और कैसे सोचा कि ये दोनों मतलब होने चाहिए? बस एक डायरेक्टर का सोच होता है, बस वो हर चीज अभी नहीं करना चाहते हैं क्या। तो केमिस्ट्री कैसे, मतलब दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में कैसी होने वाली है, क्या अच्छी अच्छी रहेगी? अच्छी रहेगी, नेचर वाइज प्रमोद जी भी बहुत अच्छे हैं, चांदनी जी भी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छा ही रहेगा। और कहाँ पे शूट करने का प्लान है? क्योंकि ये यूपी में करेंगे, यूपी में शूट करेंगे। और कहाँ कहाँ शूट होने वाली है? तो यूपी यूपी। और कब से ऑन फ्लोर जा रहे हैं? नेक्स्ट मंथ। यूपी का लोकेशन क्या होगा? यूपी का गोरखपुर, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर। गाने कितने हो? गाने 8 गाने हैं जो जिसका म्यूजिक दिया कृष्णा बेदर्दी कर रहे हैं म्यूजिक, और बहुत अच्छे गिटार भी हैं कृष्णा बेदर्दी, सारे लोग जानते ही हैं। कब तक संभावना है? अभी तो नेक्स्ट मंथ शूटिंग होगा, उसके बाद फिर अभी आपके फिल्म जो है यूट्यूब पर रिलीज हुई थी, बहुत अच्छा सफलता मिला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम नसीब फिल्म के जितने हमारे टेक्नीशियन लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि उन लोगों ने सपोर्ट किया और इतनी अच्छी फिल्म बनाई कि आज इस फिल्म को। चांदनी जी आपको क्या खास बात लगी इस फिल्म में, जो आपने इस फिल्म को मतलब या फिर ऑन बोर्ड आने की खास बात की? स्टोरी बहुत अच्छी थी तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं था, और प्रमोद जी के साथ पहली बार काम कर रही थी तो ये भी एक इंटरेस्टेड ही था कि पहली बार काम कर रही हूँ उनके साथ। तो आपको यूट्यूब स्टार कहा जाता है, ढेर सारे गाने आपके आप भी क्रिक पार्टनर गाना हिट हुआ जी, क्या कहना चाहिए इतनी बड़ी सफलता जो दिन दिन आपको मिलती जाए? क्रिक फाइटर का सॉन्ग हाँ सुपर हिट हुआ, तो तहे दिल से अपने सारे श्रोता लोग को धन्यवाद कहेंगे जो इतना सारा अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी चांदनी को, और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए कि एल्बम से फिल्म तक लाएं, आगे बैक टू बैक ढेर सारी मैं मूवी करूँ। अच्छा तो ये तो नहीं पता था हमें। तो सर को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और ढेर सारी उनको खुशियाँ मिले, और इस अभी केक काट के मनाया जाएगा, अभी तो केक काट मेरा जी आपने किस तरह से प्लानिंग किया उनका बर्थडे, अभी दिखेगा, अभी सब प्लानिंग जो हुआ है सरप्राइज दिया जाएगा, सरप्राइज दिया जाएगा। ओके तो आखिर में जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि आपकी फिल्म अच्छी मूवी है ये, और पहली बार प्रमोद जी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे हम तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और स्टोरी भी बहुत अच्छी है तो सबको पसंद आएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद इस फिल्म को ढेर सारा दीजिएगा। और ये मधु जी हैं जो उनके साथ में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है। मधु जी बताइए किस तरह का कैरेक्टर रहेगा? सर ये क्राइम बेस्ड है मूवी, और मैं इसमें
प्रमोद जी की अपोजिट इंस्पेक्टर का कर रही हूँ और मैं उनके साथ, ये मेरी थर्ड मूवी है, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना और उनका नेचर बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आज सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। सरप्राइज है। जी जी, मुहूर्त पहले 7 तारीख रखा गया था तो बर्थडे की वजह से फिर वापस 9 तारीख किया गया है। हाँ जी, और ये एडवाइस मैंने खुलासा हो गया पहले वो पंकज भाई ने हमारे पहले ही खुलासा कर दिया जी। तो आपको जो सरप्राइज मिलने वाला था, हाँ वो बेकार हो गया। बस यही कहना चाहेंगे, अच्छे से बन जाए और सब एक्टरों का सपोर्ट बढ़िया रहे। सब कैरेक्टर के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, महराज भाई बताएंगे। अरे उनको बैठाएंगे ना, खड़ा क्यों, अरे ये छोड़िए उनको। मधु जी पहले हमारी एक फिल्म में काम कर चुकी है, मेरे फ्रेंड की मूवी थी जिन्होंने सत्या बना के किया, तो वहीं से फिर इनसे कॉन्टेक्ट हुआ। चैलेंज ऐसा कुछ उतना कुछ खास नहीं था, दो चार लोगों से मिला, फिर लास्ट में महराज भाई से मिला, उसके बाद जाके हो गया। सर ग्रेट है, इनके लिए सब कुछ इजी है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.